माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को, राम राम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद है जिंदाबाद, आजाद है जिंदाबाद, आजाद है। हर बार की तरह भारत उत्सव पुनः मनाएंगे 25 जनवरी को, और इस बार बात करेंगे देश के वस्तुतः प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। वो कौन थे, वो कैसे इतने महान हुए, और उनकी मृत्यु को लेकर जो रहस्य बने हुए हैं वो क्या है। भूलिएगा नहीं 25 जनवरी को आना, और साथ साथ मेरा विशेष निमंत्रण है, आप अपने साथ अपने घर के बच्चों को जरूर लाएं। युवा और बच्चे इस कार्यक्रम में जरूर आए, देश को जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। आशा करता हूं बच्चे खूब ढंग से पढ़ रहे होंगे, और आज की बातचीत में शुरू ही करता हूं आपको एक टिप्स देने से। अच्छा, एक चीज ये मैं बता रहा हूं, 24 तारीख को सुबह, चूंकि शनि का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है, इसीलिए 24 तारीख को हम सुबह बात करेंगे लाइव। अब 24 तारीख कब है, कल, तो 24 तारीख को हम सुबह सुबह लाइव बातचीत करेंगे, जिसमें मैं आपको शनि से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दूंगा। केवल 7:30 की बात कीजिएगा, केवल शनि की बात कीजिएगा, जिससे कि 2.5 वर्ष तक का आपको क्या सावधानी रखनी है और क्या बेहतर करना है, क्या उपाय करना है, ये सब प्राप्त हो जाए लेखजों का, ठीक है ना। तो एक काम तो हम ये करते हैं, और स्टडी टिप अभी मैं आपको देता हूँ, और आज मैं कुछ ज़्यादा प्रश्न भी लेने वाला हूँ। स्टडी टिप में हमेशा एक चीज़ का आप सब बच्चों को ख्याल रखना होगा कि जब भी आप स्टडी करते हैं क्या होगा ये सोच के मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। अभी मुझे स्टडी करनी है, अभी मुझे ये सवाल सीखना है, ये फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, इस चीज़ को इस तरीके से समझना है, बस इतना सोचिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जाकर सोचना शुरू कर देते हैं तो डर लगने लगता है, उसके चक्कर में वर्तमान गड़बड़ा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, और बाकी जो पुरानी टिप्स हैं वो भी साथ साथ याद रखिएगा, उसको समझ के परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए। शुरुआत करता हूं एक प्रश्न से। जी राम राम। जी राम राम गुरु जी। जी कविता बोल रही जयपुर से। अच्छा जी, बहुत बहुत मतलब इयर्स से, नियर अबाउट 10 इयर्स से मैं आपको रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ। माय प्लेजर। जी जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30th of July 1973। 30th। हेलो जी। हाँ, 30th July 1973। जी 30th July 1973। जी बर्थ टाइम है सुबह 10:20। जी और जन्म स्थान है जयपुर। जी मैरिज को गुरुजी नियर अबाउट 16 इयर्स हो गए हैं। दो बच्चे हैं मेरे, बट अब मेरा और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, इस वजह से वो और मेरा बेटा अलग रह रहे हैं, और मैं अपनी बेटी के संग अपनी मायके में रह रही हूँ। जी और मैं वर्किंग नहीं हूँ, तो अब क्या होगा मेरा, मतलब मैं अपने बच्चों को ब्रिंग अप कर पाऊँगी या नहीं, बेटा मेरे पास आएगा कभी, क्या रहेगी मेरी फाइनेंशियल स्टेटस और मेरी फैमिली लाइफ। देखिए, अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2020 से लेकर और जुलाई 2021 के बीच में आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, और वो फाइनेंशियल भी होंगे, फाइनेंशियली भी, और ये भी पॉसिबल है कि आपकी फैमिली फिर से ठीक होने लगे। तो बहुत ज़्यादा अभी निराश मत होइए, अभी समय है आपके पास, और इस समय में चीज़ें ज़रूर बेहतर होंगी। लेकिन इसके साथ साथ आप टीचिंग से रिलेटेड अर्निंग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अच्छा।
उसमें आपको ईश्वर की कृपा से ज़रूर बेनिफिट होगा और जिससे आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छे से कर पाएंगी, ठीक है ना। कि वो ठीक है फैमिली में चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब आप दो तीन चीज़ें करिए। पहली चीज़ तो ये है किसी चीज़ को अधूरा मत छोड़िए, और दूसरी बात यह है कि अपने बड़ों से डिसीजन में सलाह ज़रूर ले लीजिए। तीसरी चीज़ है बुधवार के दिन तांबे के सिक्के को, एक तांबे का सिक्का ले लीजिए और किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दिया कीजिए। और बहता हुआ पानी हमारे यहाँ पर मतलब नाली होगी, हाँ नाली होगी वहाँ। बहते पानी का मतलब सब लोग नदी ले लेते हैं, नाली में भी तो पानी बहता है, तो वही आप करना शुरू करिए। और उसके साथ साथ महीने में एक बुधवार छोटा सा घड़ा ले लीजिएगा और उसमें मूंग की दाल डालकर किसी 8 वर्ष से छोटी कन्या को देने का एक नियम बना लिए। जीवन पर्यंत ये कार्य आपको करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो समय मैंने बताया है इस समय में आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अगर जी बिजनेस करना चाहूं तो मुझे करना चाहिए? नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। आपका जो कार्य चलेगा वो केवल और केवल एजुकेशन से ही रिलेटेड चलेगा, और उसमें जो शुरुआत कीजिए आप ट्यूशन से कीजिए या टीचिंग से कीजिए, और उसके बाद फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है ना जी। अच्छा राम जी, वेलकम। आइए अब जानते हैं मेष विषय मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस समय में जो आप कार्य करेंगे उससे आपको लाभ हो सकता है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान इस दिन रखना होगा। दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करके फिर अपने काम पर जुटिए। वृषभ राशि, अपने घर गृहस्थी पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कुछ तनाव भागदौड़ तो रहेगा, लेकिन फिर भी आपके कार्य निपटते रहेंगे। इस दिन अपनी बोली पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे कि मित्र शत्रु ना बने। माँ दुर्गा का ध्यान करें, अपने काम पर जुटें। मिथुन राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन का सदुपयोग करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखिए। अटका हुआ धन मांगने की भी आप कोशिश कर सकते हैं। इस दिन तांबे की कोई चीज़ शरीर पर धारण जरूर कर लीजिएगा, ख़ास तौर से यदि आप किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हो तो ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। बाकी प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वाले लोगों को थोड़ा सा संभल के चलने वाला दिन है ये। बहुत तेज़ी से अपना कार्य करने के बजाय बहुत सोच समझ के अपने कार्य को कीजिएगा। जोश में होश मत खोइएगा। प्रेम संबंधों पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपके राह में कोई बाधा ईश्वर नहीं आने देंगे। आप आगे बढ़िए, कार्य कीजिए, बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमः शिवाय का जप कीजिए। माँ दुर्गा को लाल पुष्प भेंट करके अपने काम पर जुट जाइए। एक प्रश्न लेता हूँ और पुनः याद दिलाता हूँ, कल सुबह 7 बजे मेरे साथ इसी चैनल पर लाइव जुड़िएगा। शनि से संबंधित प्रश्नों को ही मैं लूँगा, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 2.5 वर्ष तक आपको पूरा हिसाब किताब तैयार करके रखना है। तो जितने भी प्रश्न उससे लिए जाएंगे मैं अवश्य लूँगा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। राम राम वर्षा जी। हेलो, प्रणाम गुरु जी। वर्षा बोल रही हूँ जी। आपसे बात करके इतनी खुशी हो रही है गुरु जी, मतलब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैंने मेल वैसे किया था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि आपसे इतनी जल्दी बात हो जाएगी। धन्यवाद। मैं आपके मतलब इसी साल 2019 में आश्रम भी आपके आ चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा पीसफुल आश्रम है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और अभी 2020 में भी अभी बस थोड़ी सर्दियों की वजह से उसमें दूर जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए, नहीं तो फिर मैं एक बार और विजिट करूंगी। कभी भी आए वगैरह को कभी भी कार्यक्रम होते रहते हैं। हाँ कभी भी आइए, कभी भी आइए। ध्यान साधना कीजिए, मैया की कृपा प्राप्त होगी, अच्छा होगा। हाँ, जी हाँ, बताइए। उन्होंने बताया तो वहाँ पे आश्रम में और आपसे भी मेरी बात हुई थी और बताया भी था वो लास्ट सेशन जी, जी, होता है। जी जी क्या प्रश्न है जी? गुरु जी मेरा जो डिटेल्स है पहले मैं ये बता देती हूँ। जी डिटेल्स है मेरा जन्म
मेरा हुआ था 28 जून 1982 जी। सोमवार सुबह 11 बजे 11:15 से 11:30 के बीच में हुआ था, मतलब एग्जैक्ट टाइम तो मतलब क्लियर नहीं है, 11:15 से 11:30 के बीच में था। बोकारो स्टील सिटी झारखंड जी। हाँ गुरु जी, मतलब मैं बहुत महत्वाकांक्षी पर्सन हूँ और मैं ना पत्रकारिता करती हूँ, और बहुत ही मतलब जो लास्ट दशक गया है उसमें तो बहुत ही मतलब संघर्ष रहा है, और कुछ अच्छा और बड़ा करने की कोशिश में हमेशा रही हूँ, और किसी न किसी तरह मैं पत्रकारिता में पहुँच गई। पत्रकारिता को मतलब अभी 2018 से मैं कर रही हूँ, 2018 से जी जी। तो 2 साल से करते हुए मुझे ये समझ में आया है कि मतलब पत्रकारिता में कुछ नया और अच्छा करने की जरूरत है, और मतलब ये तो जी जी। मुझे प्रश्न, मुझे सीधा प्रश्न बताइए, वो तो मुझे मालूम है पत्रकारिता में अच्छा करना है, लेकिन प्रश्न क्या है आप करना चाहती हैं अच्छा? जी, मैं अभी एनवायरमेंट इशू पे, एनवायरमेंट और ऐसे क्लाइमेट चेंज और ऐसे इशू पे काम करती हूँ, और स्वतंत्र पत्रकारिता करती हूँ, फ्रीलांसिंग करती हूँ यूएनओ के जो। जी जी जी, अब आप मुझसे जानना क्या चाहते हैं, अब मुझे सीधा प्रश्न बताइए, इतनी देर बात नहीं कर पाऊंगा, सीधा प्रश्न क्या है? तो गुरु जी, मतलब मैं बहुत संघर्ष कर रही हूँ, अंतहीन संघर्ष है, कुछ भी सही मुझे रास्ते। मैं आपको उपाय बताता हूँ, आपको उपाय बताता हूँ, अगर आपने ये उपाय 1-1.5 वर्ष कर लिए तो संघर्ष तो यूँ जीवन के साथ लगा ही रहता है, जीवन है तो संघर्ष है, लेकिन आप ये उपाय कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रोज़ाना पहले मेरी बात सुन लीजिए अब आप, ठीक? तो अब आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ मुझे बोलने दीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, रविवार के दिन आप गेहूं का दान किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर कर दिया कीजिए। ये दो उपाय आप करना शुरू कर दीजिए, 1 वर्ष के अंदर ही अंदर आपको चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है? अब बात करते हैं सिंह कन्या तुला और वृश्चिक राशि की। सिंह राशि, बहुत सोच समझ के चलिएगा इस दिन, मित्रता में, पार्टनरशिप में, घर के रिश्तों में, गृहस्थी में कुछ परेशानी आ सकती है, दूध और दूध से बनी चीज का दान इस दिन जरूर करिएगा और मन को शांत रखिएगा। कन्या राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, दिन का सदुपयोग करने की कोशिश कीजिए, आलस्य से इसको बर्बाद मत कीजिएगा, और इस दिन आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाके आपके कार्य बनेंगे। बदला लेने की या गुस्से की भावना से कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा, 5 फलों का दान करें, अपने काम पर जुटें। तुला राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, इस दिन को सही रूप से जीने की कोशिश कीजिएगा, इस दिन आपके बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट चलता रहेगा, लेकिन आपके कार्य बनते भी रहेंगे, इसलिए कोई चिंता ना करें, दूध और दूध से बनी हुई चीज का दान करें अथवा चावल की खीर का दान करें। वृश्चिक राशि, बहुत सोच समझ कर चलें, धन संबंधी मामलों में ये दिन थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है, बाकी कुल मिला के समय ठीक है। ओम हनुमते नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें, वाहन इस दिन बहुत ध्यान से चलाइएगा, सीढ़ियों से बहुत ध्यान से चढ़िएगा उतरिएगा। एक प्रश्न लेता हूँ, शैवल जी से बात करते हैं। राम राम जी, बताइए। जी जी गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1978 जी, शाम को 6:15 जी, वाराणसी का जन्म है गुरु जी। जी गुरु जी, मैं बहुत ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, पिछले 3-4 सालों से मेरा सारा काम धंधा चौपट हो चुका है, बंद हो चुका है वो फादर की डेथ के बाद, और मैं बहुत सारे लिटिगेशंस में फंस गया हूँ, मतलब मेरे चाचा ने और कुछ बाहरी लोगों ने मुझे फंसा रखा है, उन लोगों ने पैसा भी काफी हड़प लिया है मेरा, तो ये सब मेरी प्रॉब्लम है, इसकी रेमेडी मुझे जानना था। और एक छोटी सी चीज और, मैंने रिसेंटली एक आयरन रिंग पहना है मिडिल फिंगर में, ये मेरे लिए सुटेबल है? जी जी, आयरन रिंग तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये 24 जनवरी को जब शनि मकर में आएगा उसके बाद आपकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन अच्छी स्थिति होते होते 2.5 साल अभी लग जाएंगे। फिलहाल एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो उपाय करने से आपको अच्छा बड़ा रिलीफ मिल जाएगा कुछ महीनों के अंदर,
और वो उपाय यह है, रोजाना महामृत्युंजय का जप करना शुरू कीजिए। आप तो स्वयं महादेव की भूमि से हैं, तो आप महामृत्युंजय का जप करना शुरू कर दीजिए और उसके साथ साथ नीले काले कपड़े पहनना बंद कर दीजिए और अब से लेकर 43 दिनों तक, ठीक है ना, 43 डेज तक आप एक बैंगनी फूल किसी भी बहते हुए पानी में, चाहे वो नाली हो, नदी हो, कुछ हो, उसमें प्रवाहित कर दिया कीजिए सूर्य अस्त होने के बाद। ठीक, 43 दिन तक ये उपाय कीजिए और उसके बाद महामृत्युंजय का जप जो मैंने बताया ये तुरंत शुरू कर दीजिए और देखिएगा 1 से 1.5 साल के अंदर आपके स्थिति में, जीवन में परिवर्तन आएगा। बृहस्पतिवार को एक काम और कर लिया कीजिएगा कि बृहस्पतिवार के दिन माँ दुर्गा के बगलामुखी स्वरूप का ध्यान अवश्य कर लिया कीजिएगा। बस ये उपाय करने से मुझे पूरी उम्मीद है सब ठीक होगा, लेकिन परहेजी जीवन जीना होगा, परहेजी खाना खाना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य में अगर गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये समय स्वास्थ्य की गड़बड़ी दिखा रहा है 2017 से, तो अगर स्वास्थ्य में गड़बड़ हुई तो उसे कंट्रोल करना फिर मुश्किल होगा, उसमें पैसा भी बहुत खर्च हो जाएगा। फिलहाल इतना सा काम कीजिए और आनंद से रहिए, सब ठीक होगा। और अब जानते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, ये समय आपके लिए अनुकूल है, इस समय का सदुपयोग जरूर कीजिएगा। इस दिन बहुत मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम कीजिएगा, अधिकारियों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, पके हुए भोजन का दान कर दें, अपने काम पर जुटें। मकर राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा परेशानी वाला है, कुछ कमजोरी सी महसूस करेंगे, कार्य रुकते हुए से नजर आएंगे। नीम की 5 पत्तियां चबाकर अपने काम पर जुटिए और ये कोपल होनी चाहिए, यानी नई ताज़ी हरी पत्ती जो बहुत मुलायम होती हैं, फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, दिन आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, बाकी कुल मिला के सब ठीक है, तो अपनी चिंता छोड़िए और काम पर जुटिए। किसी गरीब की किसी रूप में भी आज मदद जरूर करनी है आपको, और सर्दी का समय है तो कोई गर्म वस्त्र दे दें तो अच्छा रहेगा। मीन राशि, आपके लिए कुछ बहुत बड़ा बेहतर करने का वक्त है, इस दिन थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने से आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, इस दिन कोई अच्छा विचार, अच्छा आइडिया आपको जीवन में आगे जाके अच्छी ग्रोथ दे सकता है। हल्दी का दान जरूर करिए और अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। तो अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका है जन्मदिन, तो जिनका भी जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, खूब मेहनत से काम कीजिएगा और अपने लिए एक नया अध्याय जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ये समय आपकी मदद करने वाला है, इस समय को आप ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। इस दिन खूब मेहनत से बैठकर ये सोचिए कि आगे आने वाले 12 महीनों में क्या हम ऐसा करें कि कुछ बड़ा हो जाए, जीवन बदल जाए, एक नया प्लेटफॉर्म जीवन का हमको मिल जाए। उपाय के तौर पर माँ से या बड़ी बहन से या भाभी से चांदी की चेन अपने गले में पहन लीजिएगा, काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। वैसे भी ये दिन बहुत शुभ है, क्यों शुभ है अभी बताता हूँ, तब ऑल द बेस्ट पहले कह देता हूँ। ये दिन इसलिए बहुत शुभ है, इस दिन हमारे महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। उनके रास्ते पर चलना बहुत कठिन है, वो एक अद्भुत लीडर हैं, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर कुछ कार्य करना बहुत सरल है, क्योंकि उन्होंने हमारे समक्ष इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत ऑलरेडी किया हुआ है, जिससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। संघर्षों से कैसे नहीं घबराना है और किस तरीके से जीवन में एक लक्ष्य तय करके अपने काम पर ऐसा लगना है और उसमें भी अपना व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली करना है कि लोग आपसे प्रभावित हों, आपको आपका लक्ष्य मिले। जीवन में अपने लिए बहुत लोग जीते हैं, दूसरों के लिए जीना और उससे भी ज़्यादा राष्ट्र के लिए मर जाने वाला व्यक्ति, सोचिए, अमर होता है। प्रणाम करता हूँ मैं उनकी स्मृतियों को, मैं प्रणाम करता हूँ उनको, उनके परिवार को, और ये जो वीर है ना, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, सुरक्षा दी, पहचान दी, ये जीवित देवता है हमारे लिए, ये अभी हाल फिलहाल के ही देवी देवता है हमारे लिए, इसलिए इनको प्रणाम जरूर किया कीजिए।
25 तारीख को हम लोग प्रणाम कर ही रहे हैं, आप लोग में से कई लोग आएंगे भी, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक 4 बजे आ जाइएगा, नेताजी की बातचीत करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जय करेंगे, उनके गीत गाएंगे। चलता हूँ, आप बहुत खुश रहना, बहुत खुश रखना सबको। और चलते चलते एक बात बताऊं, सुभाष चंद्र बोस जी के जो आध्यात्मिक गुरु है ना, वो यही है। राम राम, नमस्कार, और कहिए भारत माता की जय।